एक्सो की ना होकर के मुझे लगता है सोल के खिलाड़ी यहाँ पर डेफिनेटली थोड़े बहुत मजे लेना चाहेंगे। गोब्लिन ने स्पॉट किया अपोलो को, शॉट्स नहीं कुछ, लेकिन खुद को रखना है सेफ। ड्रीम्स कंटिन्यूसली एनिमी सेट कर रहे होंगे, लेकिन अपोलो भी हो चुके डाउन, तो अपना फिनिश गोब्लिन उठाएंगे। 6 फिनिश ले चुका है ये खिलाड़ी। बिल्कुल, और अभी भी सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा निग्मा गैलेक्सी से। विक्स की जो है वो अभी भी एकमात्र खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। वही टीम सोल के बाकी के दो खिलाड़ी वीकर लेकर के ऑलरेडी सर्कल के अंदर जा रहे हैं। विक्स की पोजीशन रिवील है, डाउन किए जाएंगे। एलिमिनेशन निग्मा गैलेक्सी का, टीम सोल एक और कदम आगे बढ़ती हुई क्वालिफिकेशन के। 11 फिनिशर उनके पास मौजूद हैं, पीछे टीम एनिग्मा के सविता। अक्षत खुद को सेफ रखने की कोशिश, हालांकि एक्सो के जो फियर्स है उन्होंने ओमेगा को किया है टाउन। उसी जगह पर एक ग्रेनेड जा रहा है, ये ग्रेनेड बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सामने की तरफ को ग्रेनेड आए, एक और खिलाड़ी को टाउन करने की यहां पर खिलाड़ियों का, और ग्रेनेड जो है वो इतने सही इतने सटीक, लेकिन दूसरी साइड से गोब्लिन अपने टीममेट्स के लिए लड़ रहे हैं अपनी पोजीशन से कर सकते हैं। यहां पर सर्कल के अंदर वो जो उनकी एंट्री है वो हो चुकी है, एक हे का जो कवर है वो भी हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ तारीफ करनी पड़ेगी टीम एक्सो की, जिस प्रकार का प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं। पंक वहां पे डाउन करेंगे सवितार को, एक और टीम बाहर होती हुई। टीम एनिग्मा 4 फिनिशेस निकाले, चौथे पायदान पे बाहर, और एक बार फिर से जोन टीम एक्सो की झोली में जाता हुआ। गोब्लिन को वहां पे डाउन किया गया, अक्षत बचेंगे अब आखिरी खिलाड़ी। ई स्पोर्ट्स वाले की साइड से भी स्प्रे जाएंगे, गोब्लिन का वहां जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। अक्षत इज ऑल्सो डाउन।